हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर सबको बहुत पसंद होता है पर घर में बनाते नहीं हैं, लेकिन आज आपको मैं बहुत इजी वे में कढ़ाई पनीर बनाना बताऊंगी। इसके लिए मुझे चाहिए ऑयल, बटर, कैप्सिकम जिसे मैंने डाइस काटा है, प्याज जिसको मैंने डाइस काटा हुआ है, 100 ग्राम पनीर, रफली चॉप्ड अनियन, रफली चॉप्ड टमाटर, यहाँ मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, 6 से 7 काजू और कुछ गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। कढ़ाई मसाले के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच खड़ा धना और 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च और कुछ 6 से 7 काली मिर्च। यहाँ मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, पानी, क्रीम और चॉप्ड धनिया पत्ती। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला। उसके लिए मैं सारे खड़े मसाले को एक पैन में लेकर उसे स्लो फ्लेम पर भूनकर उसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डालूंगी। अब मैं इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची डालकर उसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक और चिली डालूंगी। इसको हम 1 मिनट के लिए भून के अब इसके अंदर हम प्याज को डालेंगे। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज हमारा पक गया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं कैश्यूज, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, सॉल्ट और इसको अच्छे से चलाते हुए इसको ढक दूंगी। मसालों को बहुत अच्छे से पकाना है। अभी मैं एक दूसरा पैन लूंगी जिसमें मैं ऐड करूंगी बटर और सब्जियाँ। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जिससे बटर जले नहीं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च, ये 1 शिमला मिर्च है, इसको अच्छे से चलाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, अब मैं ऐड करूंगी पनीर। इन्हें हमें अच्छे से कुक कर लेना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टी स्पून कढ़ाई मसाला एंड सॉल्ट। इससे अच्छे से पका चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। ये प्रोसेस हम 5 मिनट्स के लिए करेंगे। हमारी सारी सब्जियां और पनीर अच्छे से कुक हो जाए, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। देखिए आप इस तरीके से पकाएंगे। मीनवाइल हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारी ग्रेवी की तैयारी को। यहाँ देखिए प्याज और टमाटर का जो मसाला है अच्छे से पक गया है। अब इसमें से जो मैंने एक्स्ट्रा मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, इसे मैं निकाल लूँगी क्योंकि ग्राइंड करते समय कभी कभी ये अच्छे से नहीं ग्राइंड होते हैं। अब मैं सारे मसाले को एक ग्राइंडर में खाली करके इसको अच्छा एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं सेम पैन ले लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर, ये मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सारे मसाले ऐड करके उसको 1 मिनट के लिए भूनूंगी। अब इसमें मैं अपनी ग्रेवी का जो पेस्ट है वो डालूंगी। आप इसके अंदर ग्राइंडर के अंदर पानी डालकर उसको भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चलाइए 2 मिनट के लिए क्योंकि ग्रेवी ऑलरेडी कुक है, इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। ये 2 मिनट में आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम, ये मैंने 1 टी स्पून डाला है। अब इसको मैं अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट चलाऊंगी। देखिए आप साइड से इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है और हमारी ग्रेवी पूरी तैयार है। अब इसमें मैं 1 कप ऑफ वाटर ऐड करने वाली हूँ। वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाइए।
अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी है, मैं सब्जी को ठीक रखने वाली हूँ। अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी और चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं ये कढ़ाई पनीर थोड़ा थिक ग्रेवी की बना रही हूँ। अभी इसको चलाते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं सारी फ्राई सब्जियां डालकर इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसको मैं लिड लगा के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, जिससे सारे मसाले और ग्रेवी और वेजिटेबल्स सब अच्छे से आपस में मिल जाए। अब इसके अंदर मैं 1/4 TSP कढ़ाई मसाला ऐड करूंगी और इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ग्रेवी में और सब्जी जब फ्राई की तब दोनों टाइम नमक डाला है, तो अभी मुझे यहाँ पर नमक का नीड नहीं लग रहा है, इसलिए आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें। अब मैं यहाँ डालूंगी कसूरी मेथी, धनिया पत्ती। अब हमारी रेडी हो चुकी है, इसे आप राइस के साथ, परांठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।